तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब मस्त होगा, बढ़िया होगा अपने अपने घर पे। तो गाइस, आज का व्लॉग भाई स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे, ठीक है। तो भाई सुबह मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई सुबह हो रहा था बहुत ज़्यादा फॉग, ठीक है, ठंड हो रही है काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, इसलिए भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था रोड पर। तो भाई इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चल भाई शाम को बना लेते हैं व्लॉग, है ना। तो कभी शाम का नहीं बनाया, जो भी व्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ, घर वाली साइड से। तो इसलिए मैंने आज यहीं से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे जॉब करता हूँ मैं वहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और भाई बाइक की हालत देखो भाई कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि भाई सामने घर बन रहा है एक, ठीक है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसके सामने एक घर बन रहा है, तो भाई जितना भी मिट्टी वगैरह उड़ती है ना, तो भाई सारी भाई बाइक पर गंद पड़ता है। तो भाई एक और बात जो मैंने भाई पिछले लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई मैं व्लॉगर का घर मिला है, एक मोटो व्लॉगर का, वो मेरे को मिल चुके हैं, ठीक है, उनसे मेरी बात वगैरह हो चुकी है। मैंने उनको बोला था कि भाई मैं अकेला राइड करता हूँ, मेरे को ना राइड के लिए बंदे चाहिए, जो भी राइडर वगैरह हैं मेरे को भाई साथ में राइड करने के लिए बंदे चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, तुम मेरा है ना हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मैंने उनको अपना नंबर वगैरह दे दिया है, उनसे बात वगैरह मेरी हो चुकी है। तो भाई वो बोल रहे हैं कि ना भाई नेक्स्ट संडे चलते हैं संडे राइड पर, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगा, आप बता दो भाई कहाँ पर आना है। वो बोल रहे हैं कि मैं, हाँ भाई जिससे मेरी बात हुई ना, वो बोल रहा है कि मैं लिस्ट डाल दूँगा सैटरडे को, है ना, तो भाई उसमें अपना नाम लिखवा देना कि भाई मेरे को संडे पे राइड पे जाना है। तो भाई नेक्स्ट संडे चलते हैं संडे राइड पे, ठीक है। राइड होने वाली है हमारी कम से कम 25 से 30 किलोमीटर की राइड होने वाली है, छोटी है मेरे को पता है, पर भाई कोई बात नहीं, सुबह के टाइम हमको दूसरे ब्लॉगर ही मिल सकते हैं। तो भाई शाम का ब्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि भाई सुबह फॉग हो रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था रोड पर, ठीक है। और मेरे को भाई ब्लॉग बनाना होता है छोटा ही बनाना होता है भाई, ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा ना तो भाई उस पर इंप्रेशन नहीं आता यार, ब्लॉग इतना बड़ा भी देखता नहीं है, इसलिए मैं छोटा ही बनाऊंगा, ठीक है। ब्लॉग जितना ज़्यादा हो सके उतना छोटा बनाऊंगा, कम से कम 7-8 मिनट का बस, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। बाइक पर ना भाई नाम लिखवाने का एक फ़ायदा हो जाता है भाई, अगर कहीं पर हमारी बाइक वगैरह खड़ी है तो किसी बंदे ने देख ली जो ऐसे ब्लॉग वगैरह देखता है, तो भाई वो ना सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, भाई पूछने लगता है भी कौन सा चैनल है। अभी भी मेरे साथ हुआ, मेरी बाइक खड़ी थी बाहर, है ना, एक बंदा आया मेरे पास, बोल रहा है भाई मोटो ब्लॉग कौन करता है, मैंने कहा भाई मैं ही करता हूँ, बोल रहा है बाइक आपकी है, मैंने कहा हाँ भाई मेरी बाइक है, है ना। तो उन्होंने बोला भाई हमको ना भाई चैनल बता दो कौन सा है आपका, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी वीडियो वगैरह देख लेंगे कैसी बनाते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को पूछने लगा भाई कैसे बनाते हो ब्लॉग, गोप्रो से या मोबाइल से, मैंने कहा भाई मोबाइल से। तो बोला भाई ठीक है, उसका भी चैनल है यूट्यूब पे। तो भाई भगाने में आ रहा मज़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत अच्छी फील आ रही है भाई भगाने में, शाम के टाइम व्लॉग बनाने में अभी मज़ा आ रहा है। तो मेरा ना यार सुबह ना भाई इतना ज़्यादा मूड ऑफ था ना, भाई बता नहीं सकता मैं, मेरा भाई सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा था भाई, व्लॉग वगैरह जो भी है सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा था मेरा, इतना ज़्यादा मूड ऑफ था मेरा कि भाई मेरे को भी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करनी भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं अकेला रहूं कहीं पे जाके, बस ऐसा मन कर रहा था मेरा। थोड़ा टाइम बैठा भाई अकेला, फ़ोन वगैरह मैंने साइड में रख दिया, तो भाई मैं सोचने लगा भाई कि क्या करना है मेरे को, अभी सोच लिया भाई अच्छे से कि भाई ब्लॉगिंग करनी है मेरे को, है ना, और कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस ब्लॉगिंग करनी है मेरे को। अब भाई ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग पर भाई पूरा फोकस दे देंगे भाई, सब कुछ छोड़ दूंगा, इंस्टा वगैरह स्नैपचैट वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगा, बस सिर्फ व्लॉग पे फोकस करना है मेरे को सब कुछ। वैसे तो मैंने कल से ही छोड़ दिया भाई सब कुछ, मैंने एकदम से बंद ही कर दिया, इंस्टा भी नहीं चलाया मैंने आज पूरा दिन, स्नैपचैट भी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं चलाया भाई, बिल्कुल ही बंद कर दिया मैंने कल से, क्योंकि भाई कल रात भाई मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि भाई कैसे कमें बढ़ाऊँ मैं यार, सीधा भाई एक चीज़ पर फोकस करता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई अब मैं बिल्कुल ही सीरियस हूँ, अब भाई और कुछ नहीं करना, सिर्फ व्लॉगिंग करनी है, ठीक है, बस ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है भाई। कल से ना भाई बहुत ज़्यादा परेशान, कल से बोल रहा हूँ भाई, जब से मैं शादी से आया हूँ भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, मूड ऑफ है मेरा बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा यार। जो पहले मैंने 2 व्लॉग डाले हैं, जब से डेली व्लॉग स्टार्ट किया हमने 2 से 3 दिन से पहले, तब से मेरा व्लॉग बनाने का भी कुछ भी मन नहीं कर रहा भाई,
वैसे ही भाई मैंने बहुत मुश्किल से बनाया ब्लॉग, क्योंकि भाई मेरा मन नहीं करता भाई ऐसा, भाई बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे को यार, कोई चक्कर पड़ गया था कोई, उसकी वजह से भाई मेरा थोड़ा ना मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने छोड़ रखा था भाई तब से, इसलिए मैंने 10 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला था कोई भी पहले। अभी भगाते हैं यार, पावर पे लगाते हैं बाइक, चलो भाई अभी आने वाला है मज़ा, अभी भाई 100 पे जाने वाली है बस, 100 पे गई 100 पे। भाई भगाने में मज़ा तो बहुत आता है, पर यार भाई कम भागती है ना ये, बस 100 से ऊपर तो भाई बहुत मुश्किल से ही पहुँचती है। अभी इसकी सर्विस भी करवाने वाली हो गई है, तो भाई ज़्यादा भगाता भी नहीं मैं इसको, अभी तक मैंने भाई इसकी टॉप स्पीड बस 106 तक ही देखी है, उससे आगे नहीं देखी मैंने। कल भाई मैं एक चैलेंज करने गया था, ठीक है, व्लॉग ही बना रहा था साथ में, एक चैलेंज करने गया था कि भाई मैं किसी भी रैंडम लड़की को रोकूंगा, ठीक है, और उससे अपना चैनल सब्सक्राइब कराऊँगा। तो भाई कल का दिन मेरे लिए इतना मनहूस था ना भाई, मेरे को ना जहाँ पे गया था तो वहाँ पे भाई कोई यात्रा वगैरह निकल रही थी, जहाँ पे जाना था मेरे को वो रास्ता ही बंद, अंदर कोई जाने नहीं दे रहा था, पुलिस वालों ने पूरा रास्ता बंद कर रखा था कि भाई अंदर किसी को नहीं जाने देना, पैदल जाना तो जाओ, बाइक वगैरह लेके नहीं जाने देना किसी को भी, और कोई भी गाड़ी वगैरह कोई व्हीकल नहीं जाने दे रहे थे अंदर, अगर जाना है तो भाई पैदल जाओ, यात्रा निकल रही थी, ठीक है। तो मैंने भाई वहाँ से यू टर्न ले लिया, वापस मोड़ ली मैंने, फिर मैं चला गया भाई मॉडल टाउन। तो भाई वहाँ पे भी इतना मनहूस दिन था मेरा कि भाई मेरे को कोई लड़की नहीं मिली यार, पूरा दिन में एक लड़की तक नहीं मिली भाई मेरे को, इतना बेकार दिन था कल मेरा। तो भाई बीच में आ गई थी मेरी कॉल एक, ठीक है, तो भाई मेरी आरसी आई है, ओ भाई ग्लव्स, आरसी आ गई भाई मेरी बाइक की, तो उनकी कॉल आई थी। तो भाई आज का ब्लॉग भाई यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग आ जाएगा कल, ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक का था, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, ओके भाई, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में।